तो हेलो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ऑफर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको फ्लैट 300 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा सीधे आपका बैंक अकाउंट में। खाओ माँ कसम। हेलो, सबसे पहले इसका साइड में प्रूफ देख लो, 300 रुपीज मुझे यहाँ पे रिसीव्ड हो चुका है। लोग आप में से जो भी इस ऑफर को अप्लाई करोगे सबको 300 रुपीज करके प्रॉफिट मिलेगा एंड इसको आप अनलिमिटेड टाइम भी लूट सकते हो। कैसे क्या करना है पूरा ए टू जेड मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। हेलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको इस चैनल पे ऐसे अर्निंग रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। और एक बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सभी लूट ऑफर सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। मतलब लास्ट 4-5 दिन से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया, बट हम टेलीग्राम पे फुल एक्टिव है। जो भी लूट ऑफर आते हैं मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए भाई लोग, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग देखो, ऑफर आ रही कैंपेन की तरफ से जो है HDFC का कैंपेन। आप में से जो भी फ्रेंड्स इसको किए हो वो कर सकते हो, बट दूसरा एक डिवाइस में करना होगा। एंड अगर आपका डिटेल्स देके कर लियो तो आपको किसी दूसरा पर्सन का डिटेल्स देके करना होगा, तो आप इससे फ्लैट 300 रुपीज का पक्का प्रॉफिट ले पाओगे। अभी चलिए देखते हैं कैसे करके इस ऑफर को आपको ट्राई करना है। मतलब ऑफर को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑफर को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो मेक श्योर जिस डिवाइस में आपने अभी तक HDFC का कैंपेन नहीं किया उसी डिवाइस में करना। एंड और एक बात, आप वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह यूज मत करना, जिस फोन में कर रहे हो उसी फोन का इंटरनेट यूज करके ही इस ऑफर को अप्लाई करना। आपको 101% 300 रुपीज का पक्का कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जैसा आप लिंक पे क्लिक करोगे आप ऐसा इंटरफेस पे आ जाओगे। अभी सबसे पहले आपको एक UPI ID डालना है, इसी UPI ID में आपको 300 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो जो भी अपने यहाँ पे UPI ID डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। तो भाई लोग, जैसे आप वहाँ पे आपका UPI ID डालोगे आप सीधे पार्टनर साइड में मतलब HDFC स्काई साइड में आ जाओगे। अभी ऊपर आपको साइन अप बोल के एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपका जो भी Gmail ID यहाँ पे डालना है, तो जो भी आपका यहाँ पे Gmail ID डाल दीजिए। नीचे आपको रेफरल कोड का जगह मिलेगा, आपको रेफरल कोड नहीं डालना है। अगर आप रेफरल कोड डालोगे तो आपको कैशबैक वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो भी Gmail ID डाल के सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे क्लिक करोगे उसके बाद भाई लोग आपको यहाँ पे डालना है आपका मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका यहाँ पे नंबर डाल के नेक्स्ट कीजिए, उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP डाल के आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे भाई लोग OTP वेरीफाई करोगे उसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड नंबर वहां पे डालना है, आपका पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ उसको वहां पे डाल के वेरीफाई KYC पे क्लिक कर देना है। भाई लोग, जैसे वेरीफाई KYC पे क्लिक करोगे, अभी आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, तो अपलोड पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, 2 MB के नीचे आपको डालना है। तो वहां पे क्लिक करके सिंपली पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए। उसके बाद भाई लोग आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे भाई लोग नेक्स्ट करोगे यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद भाई लोग आपको कैमरा अलाउ करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपको यहाँ सेल्फी लेना है तो आप अलाउ कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे सेल्फी लेके नेक्स्ट कर दीजिए। अब लोग आपका जो भी कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालना है, नॉमिनी का वहाँ पे एक जगह मिलेगा जहाँ पे टिक मार्क दे देना है। इससे क्या है कि आपको नॉमिनी डालने का भी जरूरत नहीं है। नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप सिंगल हो मैरिड हो जो भी है। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद भाई लोग, नीचे आपका जो भी प्रोफेशन आप वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको इनकम भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सब कुछ सिलेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे भाई लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अभी भाई लोग आपको आपका जो भी बैंक यहाँ पे ऐड करना है। देखो भाई लोग, पेटीएम पेमेंट बैंक भी ऐड कर सकते हो, बट पेटीएम पेमेंट बैंक का जैसे इशू चल रहा है आपको पता ही है, तो आप कोई भी अदर बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देना, ठीक है। तो डालने के बाद आपको ट्रेडिंग प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन हो आप क्लिक मत कीजिए, ठीक है, आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर दो ऑप्शन ही बस क्लिक रहेगा। तो जैसे भाई लोग यहाँ पे नेक्स्ट करो, भाई लोग ए वाला प्लान सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करोगे, अभी भाई लोग आपको साइन करना है, तो साइन पेज पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, मतलब जो भी आपका डिटेल्स वगैरह पे लिखा होगा आप साइन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे साइन पे क्लिक करो, आपको एग्री पे क्लिक करके नीचे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर उसको डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होगा उसमें OTP जाएगा, OTP को आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे अभी आपका साइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भाई लोग देखो, आपका पूरा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको 24 आवर्स वेट करना है, क्योंकि आपका जीमेल पे एक ID एंड पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। बेसिकली आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए 24 घंटे के अंदर ही हो जाते हैं। तो भाई लोग, जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, अभी आपको ट्रैकिंग का 1 रुपीज रिसीव हो जाएगा आपका UPI ID में, ठीक है। मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है,
आपको एक रुपीज ट्रैकिंग का रिसीव हो जाएगा। उसके बाद पहले आप मेल ओपन करो, मेल ओपन करने के बाद आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अभी भाई लोग आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जहां पे आपको आपका पैन कार्ड नंबर देने के लिए बोलेगा, आपका मोबाइल नंबर देने के लिए बोलेगा। तो सब कुछ देके नेक्स्ट कीजिए, आपका नंबर पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद क्रिएट न्यू पासवर्ड पे एक न्यू पासवर्ड अपने हिसाब से वहां पे क्रिएट कर लेना। ऐसे भाई लोग क्रिएट कर लेते, उसके बाद उस पासवर्ड एंड आईडी देके आप यहाँ पे लॉग इन कर लेना। जैसे लॉग इन कर लेते हो, अभी भाई लोग आपको सिर्फ 50 रुपीज डिपोजिट करना है। तो 50 रुपीज डिपोजिट करके इंट्राडे में आपको शेयर बाय करना होगा। कौन सा शेयर बाय करना होगा? महाबैंक। आपको सर्च करना है महाबैंक, तो महाबैंक का शेयर आपको 3 बार बाय एंड सेल इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। जैसे भाई लोग कर लोगे, अभी आपको 24 घंटे के अंदर जो भी यूपीआई आईडी आपने पहले डाली उसमें आपको 300 रुपीज का फ्लैट कैशबैक रिसीव हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इस तरीके से इस ऑफर को कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल कैंपेन है। एंड भाई लोग जो 50 रुपीज आप डिपोजिट कर रहे हो ना, उसको भी आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है, एक दिन के बाद। एंड भाई लोग ट्रेडिंग जो टाइम है वर्किंग डे में सुबह 9:30 बजे से लेके दोपहर का 3:15 तक मार्केट ओपन रहता है। तो इस टाइमिंग के अंदर आप आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो 50 रुपीज का मस्ट महाबैंक का जो शेयर, उसको ही आपको इंट्राडे के अंदर बाय सेल करना है 3 बार, बस यही कंडीशन है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी भाई लोग देखो, अगर आपके पास 3-4 डिटेल्स है, 3-4 पर्सन का डॉक्यूमेंट है, तो आप 3-4 अलग अलग फोन में इस ऑफर को ट्राई कर सकते हो। सेम यूपीआई आईडी यहाँ पे बार बार यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप एक बार पेटीएम का यूपीआई आईडी दे रहे हो, दूसरा बार फोन पे का, गूगल पे का, इस तरीके से चेंज करते रहे। तो भाई लोग यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का चला है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए विजिट करो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक।